तो सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। थोड़ा सा हमें आज जैसा हमारा टॉपिक है कैनाबोलिज्म। हाँ कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए, बताइए क्या होता है और कब देखने मिलता है और हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। कैनाबोलिज्म है ये जो मुर्गियों में ये क्या है, एक दूसरे के पंख खाना, उनको जख्मी करना, मतलब पंख खाते हैं तो वो जख्मी होते हैं, यही कैनाबोलिज्म है। तो अब ये होता क्या है, ये कई कारणों से होता है, लेकिन ये फार्मर इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका फ्लोक ना एकदम बेकार होता है, बर्बाद होने लगता है, क्योंकि बगैर पंख की मुर्गियाँ छीनी लगती हैं तो उनको बेचने में बहुत बड़ी समस्या होती है। इसको लगभग मुर्गियों की बेचते टाइम तक तो सभी उनकी मतलब कि पूंछ वगैरह उनकी उड़ चुकी होती है, तो वो काफ़ी दिखने में बेकार लगते हैं, तो उनको सेलिंग में करने में प्रॉब्लम होती है और फिर उसकी वजह से उनको रेट नहीं मिल पाता है। तो ये फार्मर के लिए कैनाबोलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसको क्या है कि हम इसमें देखें कि ये आता क्यों है या किस वजह से आता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं जी। पहला कारण तो अगर हम देखें तो जैसे लाइट का, रोशनी का बहुत ज़्यादा तेज होना, ये कैनाबोलिज्म का एक कारण आपका हो सकता है। दूसरा आपका क्राउड, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा, स्पेस कम है आपका, और चिक्स या बर्ड आपने बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, तो उसमें भी मतलब आपका कैनाबोलिज्म की प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। और इसके बाद में हम देखें कि आपका बहुत ही मतलब कि बेकार मैनेजमेंट होना, अगर आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो भी कैनाबोलिज्म की समस्या आपके पास में आएगी। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो अगर आपका मैनेजमेंट में आपकी कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रख रखाव, मुर्गियों को आप कैसे रखते हैं, सफाई वगैरह, सफाई अगर अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बदबू अगर बन रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी अंदर हो रही है, ये सब कैनाबोलिज्म के कारण है। फिर इसके बाद में फीड उनको प्रॉपर ना देना, जितना उनको फीड चाहिए है 24 घंटे में उतना फीड आप अगर उनको नहीं दे रहे तो भी उसका कारण हो सकता है। दूसरा पानी की समस्या, अब मान लो बर्ड बहुत ज़्यादा हैं, पानी उनके लिए, मान लो जो पानी के बर्तन हैं अगर वो कम हैं या खाने के बर्तन कम हैं, ये भी एक समस्या है उनके लिए, ये इससे भी आपका कैनाबोलिज्म हो सकता है। फिर इसके बाद में आपका न्यूट्रिशन की कमी, प्रोटीन की कमी, ये भी इसके कारण हैं। तो इन सब चीज़ों में मतलब मैन अगर हम देखें तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखना होता है, लेकिन फिर भी क्या है, कई कस्टम फार्मर क्या करते हैं, डिवेकिंग भी करते हैं। डिवेकिंग का मुझे इतना ज़्यादा रोल इसमें नज़र नहीं आया है, डिवेकिंग से इतना हो जाता है कि हम उसकी चोंच को ट्रिम कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि वो उस टाइम तक तो भूल जाता है, वो एक प्रकार से ये कोई बीमारी नहीं है, कैनाबोलिज्म क्या है कि ये एक उनकी आदत है, स्ट्रेस में रहता है ये। जब बर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता है ना, वो स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मैंने अभी बताए थे। जब भी स्ट्रेस में आता है तो एक दूसरे को चोंच मारना चालू करता है, चोंच मारने के बाद ये उसके पूंछ पे अटैक करता है, तो पूंछ उसकी निकलती है, पूंछ निकलती है तो वहाँ से उसको ब्लड आता है, तो ब्लड जैसी ये मुर्गियाँ दिखती हैं तो ये उसके ऊपर इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं कि वहीं सभी चोंच मारने लगती हैं, और ये फिर एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं देखते देखते। अगर हमने बहुत जल्दी समस्या का समाधान अगर हमने नहीं निकाला तो ये आपके पूरे फ्लॉक को बर्बाद करके रख देती हैं। तो हमें अगर इससे निजात पानी है तो हमें वही देखना है कि अगर आप डिवेकिंग चाहें तो आप 15 से 20 दिनों के अंदर उसकी आप डिवेकिंग कर सकते हैं, और डिवेकिंग अगर नहीं भी करते हैं तो उस दौरान आप डिवेकिंग करिए, जिस टाइम आपके फार्म में अगर ये समस्या आ गई है तो आप उसको, जो भी समस्या मैंने आप बताई उसमें देख लीजिए, अगर इसमें से कोई आपकी समस्या नहीं है तो आप डिवेकिंग कर दीजिए, तो भी आपको उस समस्या का समाधान हो सकता है। तो डिवेकिंग मतलब चोंच का काटना, तो हाँ, पहले डिवेकिंग मतलब इसकी चोंच ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम करना है। जैसे ये मेन तो ये होता है लेयर फार्मिंग में, लेयर फार्मिंग में क्या होता है कि मुर्गियां जो हैं वो अंडों को डैमेज ना करें, उनको फोड़ें ना, तो उसमें क्या ये बहुत ज़्यादा ट्रिम कर देते हैं उसकी चोंच को, तो फिर ये मुर्गियाँ क्या है कि उनकी मुर्गियों की चोंच से अंडे डैमेज नहीं होते हैं। तो ये वहाँ पे ये चलती थी डिवेकिंग मशीन, लेकिन अब फार्मर इसको इसमें भी ले आए हैं, क्योंकि मैं तो मतलब ये भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, मैं आपको बताऊँ, अब उसके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस था वो मैंने बताया, डिवेकिंग मशीन का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। आप सोचें कि हमने डिवेकिंग कर दी है उसके बाद हमारा कैनाबोलिज्म ख़त्म हो जाएगा, मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच नहीं मारेंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ मतलब ये तो
आपने जो सारे पैरामीटर्स बताए, जो कारण बताए, वो भी इसके ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे कई फार्मर हैं वो अभी भी मान लो सर्च करते होंगे भाई इसका इलाज क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये खाली मैनेजमेंट के ऊपर होता है। आपको अपना मैनेजमेंट अच्छा रखना है। अगर हम बोलें तो मुर्गियों का अपना जितना अच्छा रखेंगे तो ये कैनिबलिज्म की समस्या हमारी नहीं आएगी। और डेबकिंग मशीन आपकी केवल उसी जगह काम करेंगी जब आपने उस समस्या का समाधान कर दिया हो। अब मुर्गियों को बन चुकी है वो आदत, उस आदत को भुलाने के लिए आप डेबकिंग कर देंगे, वो आदत ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये है, बाकी जो सारा चीज़ निर्भर करता है वो आपके फार्म के मैनेजमेंट के ऊपर। बिल्कुल, पूरा का पूरा फार्म के मैनेजमेंट पे ही सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, क्या उनका रख रखाव, खान पान और कैसा, मान लो ये जब भी आप देखेंगे तो वो आपको फार्म के अंदर नज़र आ जाएगा। वेंटिलेशन को लेके हो सकती है ये समस्या, बेड स्ट्रेस में आएगा, वो एक दूसरे को चोंच मारेगा, मैन ये बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सर ने समझाया, तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें कि बर्ड जो हमारा है वो स्ट्रेस फ्री रहे तो बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो करेगा, पूंछ नहीं बिगाड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर चोंच नहीं मारेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने यहाँ पर काम करें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।